ग्रीटिंग्स डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? माय नेम इज़ वरुण फ्रॉम पूर्णमूर्ति ग्लोबल स्कूल डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स। टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट क्लास 9th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 4। इन माय लास्ट वीडियो आई हैव कंप्लीटेड चैप्टर 1, 2, 3 सीरियल वाइज, क्लियर? आई हैव कंप्लीटेड ऑल द एक्सरसाइज एंड ऑल द क्वेश्चंस ऑफ ऑल 3 चैप्टर्स। टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर नंबर 4, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, एंड वी विल do with the introduction part as well. After that we will do exercise 4.1. okay, agar main abhi aapko ye bataun beta ki linear equation in two variable kya hota hai. dekho, hum pehle 8th class mein padh chuke linear equation in one variable, ab hum padhenge linear equation in two variable. thoda sa to main recall karata hu ki linear equation kya hoti hai. dekho, agar main baat karta hu bacche yahan par linear equation ki, लीनियर इक्वेशन की मैं बात करूं तो मैं ये कहूंगा कि लीनियर इक्वेशन उस इक्वेशन को कहते हैं, इक्वेशन हैज़ डिग्री 1। लीनियर इक्वेशन उस इक्वेशन को कहते हैं जिसकी डिग्री क्या होगी मेरे प्यारे बच्चे, 1 होगी। क्या होगी? 1 होगी। डिग्री 1 होने का मतलब क्या है कि उसमें वेरिएबल 1 है या 2 है, उसमें वेरिएबल 1 है या 2 है, लेकिन वेरिएबल की हाईएस्ट पावर हमेशा क्या रहेगी बच्चे, 1 रहेगी। क्या रहेगी? 1 रहेगी। वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या रहेगी? 1 रहेगी। फॉर एग्जांपल, अगर मैं एग्जांपल की बात करूं, यहां पर 2 वेरिएबल्स की बात कर रहा, अगर मैं 2 वेरिएबल ले लूं, एग्जांपल क्या क्या हो सकते हैं, ये भी लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल है, सॉरी 2 वेरिएबल है, क्योंकि देखिए वेरिएबल कितने हैं, x भी वेरिएबल है, y भी वेरिएबल है, और इन दोनों की हाईएस्ट पावर कितनी है, 1 है। अगर 1 होगी तो पावर शो नहीं करेंगे हम वेरिएबल के ऊपर, क्लियर? क्योंकि किसी की भी पावर 1 उसके इक्वल खुद ही होती है, इटसेल्फ होती है। अगर मैं x रेस टू पावर 1 लिखूं तो ये इक्वल किसके होगा, खुद x के ही इक्वल होगा, क्लियर? तो किसी की भी पावर 1 हम नहीं लिखते हैं, तो क्या होगा, ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल होगा। अगर मैं और एग्जांपल्स की बात करूं, लाइक 2x माइनस y इज इक्वल्स टू 0, दिस इज आल्सो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। और अगर हम बात करें 3x प्लस y इज इक्वल टू 0, दिस इज आल्सो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। अगर और क्वेश्चन की बात करें, देन 2x प्लस y प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0, दिस इज आल्सो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। दिस इज आल्सो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। गेटिंग माई पॉइंट कि लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या, वो इक्वेशन जिसमें डिग्री क्या हो मेरे प्यारे बच्चों, 1 हो। क्या हो? डिग्री 1 हो। वेरिएबल 2 है मेरे पास, x भी वेरिएबल है, y भी वेरिएबल है, लेकिन दोनों की हाईएस्ट पावर कितनी है, 1 है। तो ये भी एक क्या है, इक्वेशन है डिग्री 1 में, ये भी इक्वेशन है डिग्री 1 में, ये भी इक्वेशन है डिग्री 1 में, और ये तीनों की तीनों क्या है मेरे प्यारे बच्चों, लीनियर इक्वेशन है। क्या है? लीनियर इक्वेशन है। इन माय लास्ट चैप्टर चैप्टर नंबर 3 में हमने पूरा ग्राफ का काम किया था कि एब्सिसा क्या होता है, ऑर्डिनेट क्या होता है, किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट को, कोऑर्डिनेट को हम ग्राफ पे कैसे शो करते हैं, क्लियर? कि आपको पता है कि किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट को शो करने के लिए हमें 2 कोऑर्डिनेट चाहिए, एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट, तभी उसकी एक्चुअल वैल्यू प्लेस हो सकती है। क्लियर है मेरी बात? चलिए, जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ेगी बेस को मैं बताता रहूँगा आपको, ठीक है? आगे हम बढ़ते हैं एक्सरसाइज 4.1 के लिए, हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज 4.1 एंड क्वेश्चन नंबर 1 की हम बात करेंगे, एक्सरसाइज है 4.1। चलिए देखिए क्या कहता है ये, द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन। देखो यहाँ पर ये 2 आर्टिकल्स की बात कर रहा है मेरे प्यारे बच्चों, एक तो नोटबुक की बात कर रहा है और किसकी बात कर रहा है, ये पेन की बात कर रहा है। ये कहता है द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ ए पेन, राइट अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट। जितने आर्टिकल हो हम उतने वेरिएबल की बात करेंगे अलग अलग, अगर उनके बीच में कोई भी रिश्ता नहीं है, लेकिन अगर रिश्ता है तो हम यहाँ पर एक ही वेरिएबल से भी काम चला सकते हैं, 2 वेरिएबल से भी काम चला सकते हैं। मेरी बात ध्यान से सुनो, मैंने क्या कहा, अगर आर्टिकल्स के बीच में रिलेशनशिप नहीं है, ये मैं तुम्हें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, अगर आर्टिकल्स के बीच में रिलेशनशिप नहीं है तो हमें लेना पड़ेगा अलग अलग वेरिएबल, लेकिन अगर आर्टिकल्स के बीच में रिलेशनशिप है
तो एक वेरिएबल से भी काम चल सकता है, और अगर हम क्वेश्चन में गिवन हो कि आपको दो ही वेरिएबल लेने हैं तो दो अलग अलग वेरिएबल भी ले सकते हैं। क्लियर है? दो आर्टिकल है, एक नोटबुक है, दूसरा पेन है, तो मैंने ले लिया। लेट कॉस्ट प्राइस ऑफ नोटबुक, मैंने ले लिया कि जो कॉस्ट प्राइस है नोटबुक का वो एक्स रुपीज़ है। क्या ले लिया मेरे प्यारे बच्चों? एक्स रुपीज़ है। और लेट कॉस्ट प्राइस ऑफ पेन, पेन का मैंने क्या ले लिया मेरे प्यारे बच्चों? वाई रुपीज़ है। क्या है? वाई रुपीज़ है। आगे कहता है राइट अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, कितने वेरिएबल में लिखना है? टू वेरिएबल में, इसीलिए मैंने दो अलग अलग वेरिएबल। क्लियर? तो इसने कहा रिप्रेजेंट करो इस स्टेटमेंट को टू वेरिएबल में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कहता है? अगर टू वेरिएबल में मुझे इसको शो करना है तो ये कहता है द कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन। ये क्या कहता है? कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज ट्वाइस कॉस्ट ऑफ पेन। ये कहता है कि जो कॉस्ट ऑफ नोटबुक है ना वो दुगनी है, ट्वाइस है, किसकी? कॉस्ट ऑफ पेन से। नोटबुक की कॉस्ट कितनी है? एक्स है, और पेन की कितनी है? वाई है, दैट इज टू वाई हो गया। बोलो, यहाँ से अगर x इज इक्वल टू टू वाई है, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ x माइनस टू वाई इज इक्वल्स टू जीरो। बोलो, क्योंकि आपको पता है ना सारे रूल्स इनइक्वालिटी के, टू वाई वहाँ पॉजिटिव है, लेफ्ट में आके नेगेटिव हो गया, वहाँ पे जीरो बचा, वन नहीं बचा। कई बच्चे क्या करते हैं, वन बचाते हैं। वन तब बचता, देखो x इज इक्वल्स टू टू वाई, थोड़ा सा सोल्व का मतलब समझा रहा हूँ तुम्हें। अगर इधर लेके आया तो x माइनस टू वाई इज इक्वल टू जीरो बचा। वन किस केस में बचता? जब ये डिवाइड में जाता, दैट इज एक्स इज बाय टू वाई इज इक्वल्स टू वन। इस बात का ध्यान रखो, क्योंकि कई बच्चे अगर राइट में कुछ भी नहीं बचता तो वो वैल्यू को लेफ्ट में लेके आते हैं, वहाँ वन लिख देते हैं, ऐसा गलत होता है। वन इस केस में आएगा और उस केस में जीरो आएगा। क्लियर है? बस हो गई ये इक्वेशन। तो आप क्या लिखोगे? सो दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। क्या लिखोगे? सो दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। दिस इज क्वेश्चन नंबर वन ऑफ एक्सरसाइज 4.1। बेटा अगर स्पीड लग रही है तो आप वीडियो को स्लो करके भी देख सकते हो। क्लियर? चलिए, आसान क्वेश्चन था, मुश्किल नहीं था। वेरिएबल्स के बारे में आप अच्छी तरह जानते हो, मैं बता भी चुका हूँ तुम्हें पहले। वेरिएबल का मतलब क्या होता है? वेरिएबल का मतलब होता है वेरी करना, मतलब वो वैल्यू जो बार बार वेरी करती रहती है, बदलती रहती है। एक्स वाई जितने भी अल्फ़ाबेट्स होते हैं हम इसमें मैथमेटिक्स में इस्तेमाल करते हैं, ये सारे के सारे किस फॉर्म में हम लेते हैं? वेरिएबल्स की फॉर्म में लेते हैं। किस फॉर्म में लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों? वेरिएबल्स की फॉर्म में लेते हैं। क्लियर है मेरी बात? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन। आगे क्वेश्चन नंबर टू में कुछ आठ लीनियर इक्वेशन दे रखी हैं। ये कहता है इनको फॉर्म कीजिए ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी में और इंडिकेट कीजिए ए बी सी की वैल्यू। क्लियर है? मैंने कहा था जब क्वेश्चन आएगा तब मैं कंसेप्ट रिलेट करके चलूँगा, क्योंकि पहले कंसेप्ट बता देते हैं फिर बच्चा उस कंसेप्ट को ध्यान से नहीं पढ़ता, फिर क्वेश्चन में कन्फ्यूज हो जाता है। ठीक है, तो हम अब क्वेश्चन को कंसेप्ट से रिलेट करके मैं तुम्हें समझाऊंगा। समझिए, आप जनरल लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स क्या होती है? अगर मैं एक जनरल लीनियर इक्वेशन लो, जनरल लीनियर इक्वेशन लो इन टू वेरिएबल्स, तो वो क्या होती है? वो होती है मेरे प्यारे बच्चों ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू जीरो। क्या होती है? ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू जीरो, ये होती है। वेयर ए कॉन्स्टेंट टर्म है, होता तो ये कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट मत लिखिए इसको डायरेक्ट, क्योंकि आप कॉन्स्टेंट में कन्फ्यूज हो जाओगे। आप ये लिखिए वेयर ए कोफिशेंट ऑफ एक्स, होता तो कॉन्स्टेंट टर्म भी हो सकता है, वेरिएबल भी हो, लेकिन हमेशा याद रखिए कि ए क्या होगा? कोफिशेंट ऑफ एक्स होगा। बी क्या होगा? कोफिशेंट ऑफ वाई होगा। और सी को मैं पर्टिकुलरली लेके चलूंगा कि ये कोई कॉन्स्टेंट टर्म है। क्या है ये? कोई कॉन्स्टेंट टर्म है। तो ध्यान से समझिए, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, वेरिएबल कौन कौन है? एक्स और वाई है, उनके बारे में बता देता हूँ। एक्स और वाई दोनों ही दोनों क्या हैं भाई? वेरिएबल्स हैं। क्या हैं ये? दोनों के दोनों वेरिएबल्स हैं। इनकी वैल्यू बार बार चेंज होंगी।
जनरल लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या होती है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इजकल टू जीरो, जहाँ ए और बी, ए क्या है कोफिशेंट ऑफ एक्स है, बी है कोफिशेंट ऑफ वाई। कोफिशेंट का मतलब होता है जो उसके साथ आगे लगा हुआ होता है, दैट इज प्रीफिक्स, चिपका हुआ होता है, मल्टीप्लाई होता है। सी क्या होगा, कॉन्स्टेंट टर्म होगी, और एक्स और वाई दोनों के दोनों क्या है मेरे प्यारे बच्चों, वेरिएबल्स है। क्या है ये दोनों, वेरिएबल्स है। क्लियर है, क्लियर है यहाँ तक। चलिए अब क्वेश्चन को करते, देखिए क्वेश्चन कितना आसानी से समझ में आएगा आपको। अब इसको मैं लिखा रहने दूंगा, जैसे इसने कहा एक्सप्रेस कीजिए लीनियर इक्वेशन को इस फॉर्म में, और कहता है ए बी सी की वैल्यू निकालिए। तो मैं यहाँ पर कर देता हूँ, इसको लिखा रहने देते हैं, सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। शुरुआत कैसे करोगे आप, लिखोगे द गिवन लीनियर इक्वेशन इज, क्या लिखोगे, द गिवन लीनियर इक्वेशन इज, क्या है गिवन लीनियर इक्वेशन, 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 9.3, 5 के ऊपर क्या है, बार है। आप फर्स्ट चैप्टर में या सेकंड चैप्टर में, फर्स्ट चैप्टर में बार से अच्छी तरह फैमिलियर हो कि बार को क्या समझते हो भैया, बार से बार का यहाँ काम कुछ भी नहीं है, बार वाली वैल्यू जस्ट ए कॉन्स्टेंट टर्म की तरह हम लेके चलें। गिवन लीनियर इक्वेशन ये दे रखी है, आपको पता है जनरल लीनियर इक्वेशन ये होती है, तो आप इसको इस फॉर्म में लिख दीजिए। आप क्या करोगे, राइट साइड में सिर्फ जीरो बचना चाहिए, तो इसको लेफ्ट में लेके आओगे, 2x प्लस 3y माइनस 9.35 बार इज इक्वल्स टू जीरो। क्या आ जाएगा, 9.35 बार इज इक्वल्स टू जीरो। देखिए क्या आप इसको अब इससे कंपेयर कर सकते हो, तो आप ये लिखिए यहाँ पर, कंपेयरिंग विद, क्या लिखोगे, कंपेयरिंग विद जनरल लीनियर इक्वेशन। जब आप इसको कंपेयर करोगे जनरल लीनियर इक्वेशन से, तो एक्स का कोफिशेंट क्या होता है, मैंने बताया था एक्स का कोफिशेंट ए होता है, देन ए क्या आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, 2 आ जाएगा। वाई का कोफिशेंट क्या होता है, वाई का कोफिशेंट होता है बी, दैट इज बी इज इक्वल्स टू 3, और जो भी बचा यहां, जो भी बचा वो क्या होता है, कॉन्स्टेंट टर्म, क्या हो जाएगा, कॉन्स्टेंट टर्म, क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, कॉन्स्टेंट टर्म हो जाएगा, और वो कॉन्स्टेंट टर्म क्या हो जाएगा, प्लस के साथ नहीं लोगे। देखिए यहाँ तो कॉन्स्टेंट टर्म प्लस में है, लेकिन यहाँ कॉन्स्टेंट टर्म नेगेटिव है, तो मैं नेगेटिव साइन साथ लेके चलूंगा, दैट इज 9.35 बार। दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ गिवन क्वेश्चन, गेटिंग माई पॉइंट। आप लीनियर इक्वेशन को लिखोगे, आप इस फॉर्म में लेके आओगे, दैट इज ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इजकल टू जीरो में, कंपेयरिंग विद जनरल लीनियर इक्वेशन, ए आपके पास 2 निकल के आएगा, बी 3 निकल के आएगा, और कॉन्स्टेंट टर्म क्या होगी मेरे प्यारे बच्चों, माइनस 9.35 बार, क्योंकि यहाँ कॉन्स्टेंट टर्म प्लस में है, साइन प्लस का नहीं है, तो नेगेटिव साइन भी साथ में लिखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन और कर लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन करोगे, थोड़ा सा इसको सिंप्लीफिकेशन करनी पड़ेगी सेकंड की, मैं यहीं कर देता हूँ उसको, यहाँ देखिए, यहाँ इसके बाद ये बीच में लिखा रहने देता हूँ, यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन कर रहा हूँ। क्या लिखोगे, द गिवन, क्या लिखोगे, द गिवन लीनियर इक्वेशन इज, जो गिवन लीनियर इक्वेशन है मेरे प्यारे बच्चों वो क्या है, x माइनस वाई बाई फाइव माइनस 10 इज इक्वल टू जीरो। क्या है, x माइनस वाई बाई फाइव माइनस 10 इज इक्वल टू जीरो। देखिए करने को तो ये क्वेश्चन जनरली हो जाएगा, लेकिन मेरी जो जनरल लीनियर इक्वेशन है उसमें डिनोमिनेटर कहीं नहीं है। क्या नहीं मेरे प्यारे बच्चों, डिनोमिनेटर कहीं नहीं है। ये क्वेश्चन दो तरीके से हो सकता है, ये क्वेश्चन दो तरीके से हो सकता है। पहला तरीका, पहला वे मैं आपको समझा रहा हूँ, मैं करता हूँ एलसीएम, मैंने ले लिया एलसीएम 5 को कंप्लीट के नीचे, 5 मल्टीप्लाई करेगा एक्स के साथ, 5x हो गया, 5 से 5 डिवाइड 1 आएगा, 1 मल्टीप्लाई करेगा वाई के साथ वाई, और 5 करेगा यहाँ पर माइनस 50 इज इक्वल्स टू जीरो। आगे क्या होगा, 5x माइनस वाई माइनस 50, ये डिवाइड में वहाँ जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, इक्वल्स टू जीरो। तो इक्वेशन क्या बचती है आपके पास, 5x माइनस वाई माइनस 50 इज इक्वल्स टू जीरो। इसके बाद आप लिखोगे इसको, कंपेयरिंग विद जनरल लीनियर इक्वेशन। जब आप इसको कंपेयर करोगे, सॉरी, जब आप इसको कंपेयर करोगे जनरल लीनियर इक्वेशन से, x का कोफिशेंट आएगा a, y का कोफिशेंट आएगा b,
और कॉन्स्टेंट टर्म क्या आएगी मेरे प्यारे बच्चों, माइनस 50। दिस इज द सॉल्यूशन। क्लियर है मेरी बात? हमने क्या किया, गिवन लीनियर इक्वेशन थी x माइनस वाई बाई फाइव माइनस टेन इज इक्वल टू जीरो, फाइव मैंने कंप्लीट के नीचे एलसीएम लिया, फाइव ने यहाँ जाके स्ट्राइक किया, फाइव एक्स हो गया, ये फाइव वाई बचा, ये माइनस 50 बचा, ये इज इक्वल टू जीरो। फाइव एक्स माइनस वाई माइनस 55 डिवाइड में था, मल्टीप्लाई हो गया जीरो, आपके पास इक्वेशन ये बनी, मैंने कंपेयर कर दिया। एक तो तरीका है इसका ये, क्लियर। और दूसरा मेथड बेटा, अब मैं इसको रब कर रहा हूँ, आप इसको नोट कर सकते हो, ठीक है। इसका दूसरा मेथड क्या हो सकता है, इसका दूसरा मेथड इसी क्वेश्चन का दूसरा मेथड क्या हो सकता है, और डाल के आप इसको क्या लिखोगे, द गिवन लीनियर इक्वेशन, क्या लिखोगे, द गिवन लीनियर इक्वेशन इज, क्या दे रखा है, एक्स माइनस वाई बाय 15 वाई बाय 5 एक्स माइनस वाई बाय 5 माइनस 10 इज इक्वल्स टू जीरो। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, x माइनस वन बाय फाइव वाई माइनस 10 इज इक्वल टू जीरो, बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या लिखूंगा फिर, कंपेयरिंग विद जनरल लीनियर इक्वेशन, और जनरल लीनियर इक्वेशन क्या है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू जीरो। तो आपको ये पता है मेरे प्यारे बच्चों, x के साथ कोई मल्टीप्लाई नहीं है, a वन आ गया, जीरो नहीं आएगा क्योंकि वन इज मल्टीप्लाई विद ईच टर्म, वन क्या है, हर एक टर्म के साथ मल्टीप्लाई होता ही है। अगर x के साथ कुछ नहीं है तो x के साथ वन है, और y के साथ b है, यहाँ क्या आएगा, माइनस वन बाई फाइव, और c क्या जाएगा बेटा, माइनस टेन। ये दोनों ही इस क्वेश्चन के जवाब हो सकते हैं, क्लियर है मेरी बात, ये दोनों ही इस क्वेश्चन के सोल्यूशन हो सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। मेरी बात समझे या नहीं समझे, क्लियर है, मुश्किल नहीं है। आप इन दोनों को आपस में कंपेयर करके ये देख सकते हो कि दोनों आराम से हो जाएंगे, ठीक है, इनमें मुश्किल कुछ भी नहीं है। चलिए एक और पार्ट हम कर लेते हैं यहाँ, इसके बाद रब कर दो ये सारा, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, एक और क्वेश्चन हम कर लेते हैं, और देखिए बाकी कुछ पार्ट्स मैं आपके लिए भी छोड़ूंगा। चलिए देख लेते हैं, सपोज मैं एक और कर रहा हूँ, फोर्थ मैंने उठाया, x इज इक्वल्स टू थ्री वाई, एक्स इज इक्वल्स टू थ्री वाई, आप इसको क्या लिख सकते हो, x माइनस थ्री वाई इज इक्वल्स टू जीरो। अब समझो यहाँ पर कॉन्स्टेंट टर्म कुछ भी नहीं है, नहीं है कॉन्स्टेंट टर्म, नहीं है तो मैं बना भी सकता हूँ, मैं प्लस जीरो भी लिख सकता हूँ, कोई फर्क पड़ेगा, बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जीरो को मैं किसी भी वैल्यू में ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकता हूँ, किसी भी वैल्यू में मैं ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकता हूँ इन द केस ऑफ लीनियर इक्वेशन, क्लियर। इसके बाद मैं क्या लिखूंगा, कंपेयरिंग विद, क्या लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, कंपेयरिंग विद जनरल लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो क्या हो जाएगा, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू जीरो। जब आपने कंपेयर किया तो ए वन आया मेरे प्यारे बच्चों, बी क्या आया बेटा, माइनस थ्री आया, और सी क्या आया मेरे प्यारे बच्चों, जीरो आया, क्योंकि इस क्वेश्चन में कॉन्स्टेंट टर्म अलग से नहीं था, तो सी जो है वो जीरो है, और वही क्या है मेरे प्यारे बच्चों, कॉन्स्टेंट टर्म है। रिपीट कर रहा हूँ, क्या था ये क्वेश्चन, x इज इक्वल टू थ्री वाई, आपको एक गिवन इक्वेशन दे रखी है इन टू वेरिएबल, लीनियर है, मैंने 3y को लेफ्ट में ले गया है, नेगेटिव हो गया, वहाँ जीरो बचा, मैं समझा चुका हूँ ये बात क्या होता है। अब यहाँ कॉन्स्टेंट टर्म भी नहीं है, तो मैंने एक जीरो ऐड कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जीरो किसी भी लीनियर इक्वेशन में ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है, क्लियर, ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है जहाँ मुझे रिक्वायरमेंट होगी। मैंने यहाँ जीरो ऐड कर दिया, अब कंपेयरिंग विद जनरल इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स क्या होगी, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, ए क्या होगा वन, बी माइनस थ्री, और सी क्या हो जाएगा जीरो, इस कंपेयर करने से, क्लियर। तो आप बाकी के जो टाइप बचते हैं वो आप खुद कर सकते हो, ठीक है। चलिए छोटी सी एक्सरसाइज थी बेटा, इसको अच्छे से प्रैक्टिस करो, और बाकी के जो क्वेश्चंस हैं उनको आप कंप्लीट कीजिए इन माई नेक्स्ट वीडियो, आई विल स्टार्ट एक्सरसाइज 4.2, क्लियर। तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, थैंक यू वेरी मच।